कुछ लोगों को फेम बहुत सर पे चढ़ता है और मेरे को देख के उनको तरस आता है, कोई बात नहीं, उनको नहीं बता कि मेरी शो में कैसी इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं एज अ कंटेस्टेंट खेलता हूँ आज भी, क्योंकि मैं इसी शो से बनकर आया हूँ, मुझे वो इमोशन पता है। तो मेरी ज़्यादातर फाइट इनसे थी कि दिस इज़ नॉट आर टाइम टू शाइन, ये टाइम उनका है जो आए हैं। बट आई थिंक मेरे पुराने जजेस, मैं इसलिए उनको ज़्यादा मिस भी करता हूँ हमेशा, हम बोलते थे कि मैं नेहा इतना लड़ते थे। गौतम ने बीच में एक इंटरव्यू दिया जहाँ उन्होंने कहा कि आपने फ़ोन पर तो सलमान सर से अपोलोजाइज किया बट वो बिहेवियर में नहीं दिखा। अच्छा, अपोलोजाइज की बात होती है कि मैं सलमान खान भाई ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे मैं अपोलोजाइज करूँ। सोनू सर ने मुझे बोला था कि प्रिंस ये तेरा शो है, तू इतने साल से कर रहा है, वो नए हैं वहाँ पर, वो थोड़ा निकलते हुए नाराज़ हो गया होगा शायद, हमें नहीं पता, वहाँ से बिल्कुल चिल होकर निकले हैं। पर वैनिटी में जाकर उन्होंने नॉर्मल बोल दिया कि उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। उसके बाद मैं शॉक था कि जब मैं वहाँ से शो से वापस आ चुका था और इंटरव्यू देखी मैंने दोबारा से गौतम की, इनसेकिन फिर देखी तो मैंने उसको मैसेज किया। तो जब मुझसे डिस्कशन होती कि कौन आना चाहिए, तो मैंने बोला कि यार गौतम को बुलाओ। शो छोड़ना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात होगी, क्योंकि शो मैं किसी के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। तुक्का एक बार लगता है, दो बार लगता है, तीन बार लगता है, पर चार बार तो डेफिनेटली नहीं लगता है। हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री निर्मल एंड बाय नाउ यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। वेलकम टू पिंक विला प्रिंस नरोला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो ये बताओ, ये जो पहलवान आपकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है, ये कोई स्टोरी है इसकी? जी बिल्कुल, इसकी स्टोरी है कि मेरा खुद का ब्रांड है पहलवान, जिसके अंदर प्रोटीन है एंड टी शर्ट वगैरह सब कुछ है। सो दैट्स द रीजन कि मैं पहलवान के लिए लिखा था। यू नो, एक चीज़ आपके बारे में हमने नोटिस किया कि आप हमेशा अपने रूट्स से जुड़े हुए रहते हो एंड यू वन 4 रियलिटी शोज बैक टू बैक। जी, दैट्स द रीजन यू आर कॉल्ड द किंग ऑफ रियलिटी शोज। डज दैट ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर हेड, ऑन योर शोल्डर्स टुवर्ड्स द यूथ? यस ऑब्वियसली, मैं जब भी करता हूँ मैं सोचता हूँ कि धर्मेंद्र जी ने भी कहा था कि एक अच्छा एक्टर भी वही है जो अच्छा इंसान है, यू नो। तो रूट्स के साथ जुड़ा रहना चाहिए, यू नो। कुछ लोगों को फेम बहुत सर पे चढ़ता है और मेरे को देख के उनको तरस आता है, कोई बात नहीं। सी प्रोसेस क्या होता है कि जब तक लोग मुझे जानते नहीं है ना, जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं, कुछ लोग समझे कि मुझे बहुत एटीट्यूड है यार, कितने गुस्से से बोलता है। पर जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है, वो बोले मैं फर्स्ट डे से ऐसा ही हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं मूवी बोलने वाला इंसान हूँ। मुझे बैक के पीछे बुराई करने में बहुत बुरा लगता है, ये सामने का मुझे आप पसंद नहीं, मैं आपको सामने बोलूँगा क्यों ना कि वो नहीं है। तो ऐसे ही इंसान को होना चाहिए, और इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं कि मैं 7 साल से वैसा ही हूँ, लोगों ने मुझे बदलता नहीं देखा किसी भी चीज़ से। ऐसे बोलेंगे कि इस शो में आए भाई ऐसे हो गए, इस शो में आए भाई ऐसे हो गए, तो ये बहुत रियल है कि आप जैसे इंसान हो घर पे, आप वैसे ही अगर किसी शो में भी आते हो, यूथ को भी बोलूँगा आप वैसे ही रखो। आप ये मत टेंशन लो कि क्या आपको दुनिया पसंद करेगी, आपको पसंद करने वाले भी होंगे, आपको ना पसंद करने वाले भी होंगे, पर आपको पसंद करने वाले होंगे, ठीक है ना, बस ये थॉट रहना चाहिए। तो We'll talk about your current show, Roadies. जी. आपने कहा you have to be yourself. जी. But इस season, usually हर season में controversy होती है, but this season every day there is a new controversy, there is a new fight. जी. Why do you think that is? I think पिछले जितने भी gangsters थे उनको बहुत साल हो गए थे, है ना, काम करते करते साथ में, तो शायद वो relation भी बन जाता है और understanding हो जाती है। अभी ये सब नए थे, है ना, हमारे लिए वो नए हैं, उनके लिए मैं नया हूँ, इससे पहले कभी नहीं मिले। उनको नहीं बताया कि मेरी शो में कैसी इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं एज अ कंटेस्टेंट खेलता हूँ आज भी, क्योंकि मैं इसी शो से बनकर आया हूँ और मैं वो फील कर पाता हूँ, बाकी नहीं कर पाते, क्योंकि मैं उस टेंट में रहा हूँ जहाँ पे बच्चे रहते हैं, यू नो। सो मुझे वो इमोशन पता है। तो मेरी ज़्यादातर फाइट इनसे थी कि दिस इज़ नॉट आर टाइम टू शाइन, ये टाइम उनका है जो आए हैं। शायद उनमें से कोई बहुत अच्छा बने, शायद कुछ ना बन पाए, पर उनके पास एक मौका है, यू नो, दिखने का, बोलने का। और जब वो नहीं दिया जाता था उनको बोलने का मौका, तो मैं खिलसता था, सुनो। क्योंकि हमें पता ना कि जब रण भाई, मैं, नेहा सब होते थे, तो हम कंटेस्टेंट को पूरी छूट देते थे बोलने की कि आप बोलो। क्योंकि क्या होता है, उसके बाद जब वो घर आते हैं ना, अगर आपने अपनी बात नहीं रखी, तो आप दुनिया के सामने कभी नहीं बता पाओगे कि आप क्या बोलना चाहते थे, आप सही थे या गलत थे, यू नो। अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख जाएगा और आपको लगता है आप सही हो, तो आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखोगे तो लोग सोचेंगे अच्छा यार ये सही है इंसान। अगर आप रखोगे ही नहीं, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि लोग भी सोचेंगे यार वो जो बोल रहे हैं वो सच होगा, यू नो। सो मैं इसलिए करता रहा। बाकी तो शो हैं, हल्की फुल्की लड़ाई चलती रहती है, मेच्योर इनफ, यू नो, कि ये हैंडल कर लें चीज़ें हम, तो वो कर लेते हैं। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाएगी कि जितने भी हम शो कर रहे हैं नहीं कर रहे। बट आई थिंक मेरे पुराने जजेस, मैं इसलिए उनको ज़्यादा मिस भी करता हूँ हमेशा, हम बोलते थे कि मैं, नेहा इतना लड़ते थे, पर उस फील्ड से बाहर आकर हमने कभी फाइट की बात नहीं करी। क्योंकि आप एक देख लो, इंडिया पाकिस्तान के जितने भी अभी मैच होते हैं, वो टीम एक साथ बैठती हैं, सेलिब्रेट भी करती हैं, मस्ती भी करती हैं, और हमें उनकी बॉन्डिंग अच्छी लगती है। जैसे वो फील्ड के अंदर उतरते हैं, यू नो, वो अलग है, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटिव हैं दोनों, कि उनको दोनों को जीतना है, यू नो। तो वापस आके फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। यही हमारा नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि जो शो है, शो की बातें वो वहीं करेंगे, और मैं शो की बात हमेशा शो में रखता हूँ इतने सालों से। मैं बाहर आके इस शो की बात भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अच्छी बात करता हूँ कि क्या करना है इस साल। मैं भी थोड़ा खबर था, ये क्या, मैं भी पहली बार दे रहा हूँ, क्या हो गया रहा यार,
इस साल शो से बाहर भी लड़ाई चली गई थी आई थिंक, और सलमान खान जी ने इंटरवीन किया। सलमान खान जी ने जी फ़ोन किया, एक्चुअली वो हम दोनों को जानते हैं और बानी जी के अंडर शो है तो सलमान भाई तक बात पहुंची थी, तो सलमान भाई ने दोनों को बोला कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो, दो लड़के जब होते हैं उनकी को कभी ईगो क्लैश करती है और तुम दोनों संभालोगे, मुझे पता है, तुम ट्राई करो दोस्ती करने की, क्योंकि भाई हैं वो हमेशा यही चाहेंगे कि सब अच्छे से काम करें, काम चलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, आपका फ़ोन आया तो मतलब हम दो तीन बार और ट्राई करेंगे दोनों, ठीक है, आपकी बात रख के हम ट्राई करेंगे कि हमारा कैसा होता है। तो भाई तो एक बार समझा सकते हैं ना दोनों को, भाई कभी किसी पे आगे ज़बरदस्ती थोड़ी बोलेंगे कि तुम्हें ऐसे ही करना, तुम्हें ऐसे ही करना है, क्योंकि भाई जानते हैं कि सिचुएशन क्या होती है, वो ऑन द स्पॉट इंसान को पता होती है। तो ऐसा भाई ने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों उनके बच्चे हैं, बिग बॉस कर चुके हैं और भाई से दोनों कनेक्टेड हैं और दोनों को प्यार करते हैं, तो इसलिए भाई ने बीच में आकर एक बार समझाने की कोशिश करी कि आप बाकी तुम देख लो। गौतम ने बीच में एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कहा कि आपने फ़ोन पर तो सलमान सर से अपोलोजाइज़ किया बट वो बिहेवियर में नहीं दिखा। अच्छा, अपोलोजाइज़ की बात होती है कि मैं सलमान खान भाई ने मुझसे ऐसी कोई बातें नहीं करी जिससे मैं अपोलोजाइज़ करूँ, उन्होंने कुछ ऐसा पूछा नहीं, उसने बोला नहीं तो क्या कर रहा है, क्या कर, उन्होंने बोला कि प्रिंस मेरे को पता लगा कि सेट लोग सेट पीछे हो रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, क्या ऐसी बात हो रही है। तो मैंने सलमान को एक बात बताई कि भाई ऐसा चल रहा है, तो कह रहे कोई चक्कर नहीं, तुम दो लड़के हो और तुम दोनों विनर हो, तो कभी कभी होता है दो मर्दों में ईगो क्लैश होती है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, अभी तुम जाओ आपस में पार्टी मारना, चिल मारना, यू नो, घूमना फिरना, तुम दोनों सही दोस्त बन जाओगे, तुम दोनों इतने सही बंदे हो। मैंने बोला भाई आपके लिए मैं ट्राई करूँगा, बात खत्म। भाई ने बोला ओके प्रिंस। भाई तो इतना, मैं जब वो इंटरव्यू सुन रहा था तो मैं सोचा काश इसमें मुझे भी लाइव ले लो और मैं सलमान भाई को बोल दूँ कि भाई एक बार आके आप भी लाइव आ जाओ, एक बार बता दो क्या है। और मेरे को लगता है इतना बड़ा इंसान जब बीच में आता है ना तो उनके लिए तो हमें सुननी भी पड़ेगी ना एक बार कि यार इतना बड़ा इंसान आया। और मैं बताता हूँ, सलमान भाई ने तो मुझे कभी अपोलॉजी करने को बोला भी नहीं, अपोलॉजी मैं खुद करने गया था, सोनू सर ने मुझे बोला था कि प्रिंस ये तेरा शो है, तू इतने साल से कर रहा है, वो नए हैं, तो एक काम कर, मैं उनको नहीं बोलता, मैं तेरे को बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है तू दिल से कैसा है, तू लड़ भी रहा है, तेरी बातों में फैक्ट है मुझे पता है, पर तू छोड़ हम शो आगे बढ़ते हैं। मैं कहा भाई मुझे कोई ऐसा इंसान आके प्यार से बोलता है मैं जान भी दे देता हूँ, ठीक है ना। और मेरी लड़ाई शुरू भी कैसे हुई थी, शुरू भी नहीं हुई थी, क्या था कि स्टार्टिंग में जब हम सब जाते हैं रोडीज के ऑडिशन से पहले लोगों को मिलने, तो वहाँ पर मतलब उसका फर्स्ट डे था, तो जैसे ही एंट्री होती है लोग नाम बुलाते हैं, तो गौतम ना थोड़ा स्लोमो में गया था ऐसे थोड़ा, है ना, तो मैंने बोला कि भाई हमने पहली बार देखा तो हमने बोला शायद नॉर्मल है, वो शायद फर्स्ट टाइम है, तो आया कि सेकंड टाइम जब वो रिपीट हुआ तो मैं और डायरेक्टर सागर उसकी उनकी वारंटी में गए थे, सिर्फ भाई के नाते कि भाई टर्निंग एज अ ब्रदर, ठीक है, क्योंकि शो में मैं वेलकम करता हूँ कि तेरे को लोग बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, जब तेरे नाम चिल्लाते हैं तो थोड़ा हाई स्पीड में जाता है तो मुझे लगता है वो एनर्जी किल कर देता है, तू भाग के जा, तो लोगों से मिल, वो तो बाद में भी हो सकता है ना, इस टाइम जोड़ तो एडिट पे भी लग जाता है। तो वहाँ पर वो थोड़ा निकलते हुए नाराज़ हो गया होगा शायद, हमें नहीं पता, वहाँ से बिल्कुल चिल होकर निकले हैं, पर वैनिटी में जाकर उन्होंने नॉर्मल बोल दिया कि उसके कि उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है, मुझे बता रहे हैं। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि देखो तुम्हें डिस्टेंस ही रखना है, तुम्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर जब मैं पहले ईयर गया था, मुझे रन भाई नेहा ने कितना कुछ समझाया और मैं सुनता था, क्योंकि मैं नेहा था, मुझे लगता है वो पुराने हैं, वो बता रहे हैं कुछ अच्छा ही होगा, और हमने तो कुछ बताया भी नहीं कि तुमने खेलना कैसे, हम तो सिर्फ नॉर्मल बात करी कि जो क्राउड की रिक्वायरमेंट है, जब लोग जा रहे हैं तुम पंप करके जाते हो ताकि लोग भी उतने उठे, तो वो मुझे थोड़ा चाइल्डिश लगा। उसके बाद कभी वो इक्वेशन ठीक होने में नहीं आई, पर एट द एंड हमने जब शो खत्म किया है, हमने सब मिलकर ख़त्म किया है और हम बहुत खुश निकलते हैं कि कोई बात नहीं, हमने शो अच्छा किया, हमने अपना पार्ट निभाया, शायद मुझे तुम्हें समझने में टाइम लगा होगा, तुम्हें मुझे समझने में टाइम लगा, और ये लगता है दो इंसान जिनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो और वो स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो तो क्लैशेस होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम नॉर्मल लाइफ में भी अपनी बहन भाई से भी लड़ लेते हैं क्योंकि वो अलग सोचते हैं हम अलग सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे नफरत करता हूँ या मैं अभी भी नफरत करता हूँ, मुझे अभी भी कहीं मिलेगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा जाके, हाँ भाई कैसा तू, ठीक है ना, सो ऐसा होता है। बट उसके बाद मैं शौक था कि जब मैं वहाँ से शो से वापस आ चुका था और इंटरव्यू देखी मैंने दोबारा से गौतम की, इनसेकिन फिर देखी तो मैंने उसको मैसेज किया, मैं ब्रो आई थिंक हमें ख़त्म कर चुके थे ये, अब तू फिर वापस वहीं जा रहा है जो एक चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसने बोला कि नहीं मैं किसी के अंडर साइन हूँ, तो मुझे बोला गया है मतलब इंटरव्यू देनी है, तो मैं कहा चल ठीक है चल कोई बात नहीं। फिर एक और जब आया, तीसरी आई, तो फिर मैंने बोला कि यार अब ज़्यादा है, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई मैं फेक नहीं बनता हूँ, मैं शो में ख़त्म करके आया था, तुम्हें बाहर आके भी तुमने रखा है मैंने रखा, तो मेरे लिए कुछ नहीं है। एंड ही इज़ अ गुड गाय, मतलब मेरे को भी उससे कोई नफरत नहीं थी। जब हमारी रोडीज़ में तीन दिन पहले मतलब कोई और आने वाला था इस शो में, उनकी डेट्स क्लैश हो गई थी तो कोई नहीं आ पा रहा था, तो जब मुझसे डिस्कशन हो रही थी कि कौन आना चाहिए, तो मैंने बोला कि यार गौतम को बुलाओ। ओके, आपने सजेस्ट किया। सो मैंने वन ऑफ द, मैं उनमें से था जिसे नाम दिया था कि गौतम को बुलाओ, आई थिंक ही इज़ नाइस, और वो भी बिग बॉस विनर है और मैं भी, तो लोग उसको भी देखते हैं, यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं और मेरे को भी देखते हैं, तो मज़ा आएगा, अगर नए लोग भी आने तो मज़ा आएगा, और मुझे नहीं पता था कि इतना भारी हो जाए। आज भी लोग मिस करते हैं उस ओल्ड फॉर्मेट को, कमेंट्स पे हमेशा आता है। या
सी आप कमेंट्स पढ़ेंगे कभी नीचे जाके एमटीवी के, तो वो जो बॉट होते हैं जो 00 फॉलोअर्स वाले आते हैं मुझे गालियां देने, तो मुझे ये समझ नहीं आते मेरे पे इतना पैसा क्यों खर्चा जा रहा है यार। तो जब ये कंट्रोवर्सीज होती है, लड़ाई होती है दो फैन क्लब्स में, तो आई थिंक हाउ डज युविका रिएक्ट टू ऑल दीज थिंग्स? कुछ भी नहीं, वो बहुत चिल रहती है। मैं भी बहुत चिल रहता हूँ। आई स्वेयर मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे, मैं पूरी दुनिया को इम्प्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, और ना मैं कर पाऊँगा, ठीक है। दुनिया बहुत मुश्किल से किसी को एक्सेप्ट करती है, और मुझे बहुत, मेरी पब्लिक ने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो बहुत है, ठीक है। मैं इतने भी लाइक नहीं था जब मैं, हम घर पे बैठते थे, कि इतने लोग हमें प्यार करेंगे, इंस्पायर करेंगे, हमारे लिए फाइट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो मेरी तरह लोग हैं, जो मेरी तरह सोचते हैं, जिनको पता है कि मैं जो हूँ मुँह पे हूँ, तो वो मेरे साथ देंगे, ठीक है। मेरे लिए बहुत है ना, मेरे को क्या करना है पूरी दुनिया को इम्प्रेस करके, ठीक है। मेरे लिए बहुत है जितना मेरे को भगवान ने दिया, और मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। लोग 5-5 साल पहले मुझे मैसेज करते हैं जब रोडीज़ में सेलेक्ट हो जाते हैं, और मुझे बोलते हैं कि सर अपना डीएम चेक करना, और मैं डीएम देखता हूँ, तो उन्होंने मुझे 5-4 साल पहले मैसेज किया होता है कि सर मैं रोडीज़ में आऊँगा और आपकी गैंग में आऊँगा, यू नो। तो मैंने वो कहा, मन में वो लिया कि हमारे नाम के, हमारी शक्ल के टैटू हैं लोगों के हाथ में। ये ब्लेसिंग ही है, लोगों को भगवान ने इतना प्यार दिया, ये नहीं मिलता ईजिली। You also made a video post on Instagram where you called Gautam fake and then you deleted it. Yeah, पहले मैंने डाली, फिर मैंने सोचा कि यार मैं भी उधर क्यों जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे नहीं जाना था। क्या मैं इतना इफेक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं मतलब कभी होता नहीं हूँ। और मुझे उस टाइम इतना बोला, मुझे इंटरव्यू नहीं पाती है, इंटरव्यू के बाद ही मैंने वो किया था, जब मैंने थर्ड इंटरव्यू देखी या मैं डाल देता हूँ। फिर मैंने बोला कि यार फिर वो भी कर रहा है, फिर मैं अगर कल को उसको मिलूंगा तो मैं तुझे उसके किस बात पर बोलूँगा कि तूने किया, मैंने भी तो वही कर दिया। देन आई डिलीटेड, तो मैंने बोला कि मैं डिलीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में किसी ने नहीं बनी रिया से, भी इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि वेरी फर्स्ट डे जब हम मिले थे तो एकदम से इंटरव्यू आई एमटीवी की, कि प्रिंस ने बोला कि प्रिंस वोट पे है रिया की, और प्रिंस ने बोला कि बहुत गर्ल्स चाहिए वापस आने के लिए। तो मेरी इतनी बात हुई नहीं थी तब तक, क्योंकि हम सिर्फ मीडिया से मिले थे और वापस आ गए थे। तो मैंने वैसे ही एमटीवी को बोला कि ये मैंने नहीं किया, अगर किसने रिया तो मुझे बता दो, मैं फिर वैसे ही बात करता हूँ। तो कह रहे नहीं रिया, मैं कह रिया से पूछ लेना। तो मैंने सिर्फ आके अपने सोशल मीडिया पर बोला कि भाई मैं अभी किसी की सपोर्ट पर नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और जब तक मैं आपसे मिलूंगा नहीं, आपके साथ एक महीना रोडीज़ में हूँ स्पेंड करूंगा, तब मैं आपके बारे में बता पाऊंगा लोगों को कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है ना। उससे पहले मैं क्या आपको जज करूँ, मैं कुछ हो ही नहीं जज करने वाला। तो मैंने ये लिखा कि मैं अभी किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, और मैं किसी के सपोर्ट पर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं, मैं पहली बार मिला हूँ, और आगे मिलूंगा तो मैं आपके उनके बारे में बताऊंगा ज़रूर, अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे। तो इन बात का उनको बुरा लग गया था, तो इस वजह से हमारी जर्नी में पहले बात नहीं हुई। और वो और गौतम की आपस में बनती रही, वो वहाँ से शुरू हुआ पीछे कुछ और जाता रहा, आगे कुछ और जाता रहा, ठीक है। वो बातें होती है, पर वो बहुत नॉर्मल होती हैं। और मेरा क्या है, मैं पीछे नहीं करता, मैं सामने करता हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ कि मेरे को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को लगता है कि अगर मुझे तुम कुछ बोल रहे हो तो सामने बोल दो, कि तुम्हें पीछे जाके, अब सी पीछे जाके तो मैं भी न्यूज़ में कुछ भी लगवा दूँ। और मुझे, मैंने गौतम से फाइट भी इसलिए की कि तू न्यूज़ लगा रहा है, कोई बात नहीं लगा ले, ठीक है, पर ये मत बोल कि सोनू सर परेशान हो गए, क्रू परेशान हो गया है, ये 7 साल से शो कर रहा हूँ, क्रू को नाम से जानता हूँ, अगर 300 लोग काम करते हैं उनको नाम से जानता हूँ, उनको दादा नहीं बोलता हूँ मैं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलता हूँ। तो मतलब मेरा वो बॉन्ड है उनके साथ। और अगर आप BTS में देखेंगे, जितने भी रोडीज़ के आते हैं, क्रू से पूछते हैं कौन जीतना चाहिए, वो प्रिंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हम बड़े हुए हैं, उनको पता है, ठीक है। मतलब तुम उनका लो, तुम बोलो कि गौतम ये बोल रहा है, ठीक है, और फिर पहले बोल रहे हो कि मैंने नहीं छपवाई, अगले इंटरव्यू बोल रहे हो कि हाँ मैंने छपवाई है। तो मतलब मुझे वो होता है कि या तो तुम बोलो या तुम बोलो ना बोलो, अगर बोलना ही यार तुम न्यूज़ में क्यों जा रहे हो, इतना बड़ा शो चल रहा है, इंडिया का नंबर 1 शो है MTV पे, ठीक है, तुम इधर बोलो ना, न्यूज़ से बड़ी न्यूज़ होगी, अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद यहीं बोल दूँ तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मुझे कितनी बार, मेरे को कितनी बार टक्कर दिया नेहा ने, कितनी बार मुझे टक्कर दिया रफ्तार ने, मैं वापस आके देखा, मुझे लगा नहीं यार यहाँ मैं गलत था, मैंने भी अपने आप को आके देखा, मैं नहीं बोल रहा मैं हर बार सही होता हूँ, पर जब मैंने अपने आप को देखा मैं रफ्तार के समय, यार यहाँ मैं गलत था, मैं क्या कर रहा था, ये शायद मैं भावनाओं में आ गया था। सी क्योंकि मैं भी रियलाइज़ करता हूँ ना कि कहाँ मैं सही हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सही बोलूँगा, ठीक है ना। पर मुझे लगता है कि रफ्तार और मैं, हमारी बॉन्डिंग इसलिए हमने वापस आके गाने किए हैं, नेहा के साथ हम, मेरी बहन, हम मिलते हैं इतने अच्छे से हम करते हैं, क्योंकि हम शो की बातें शो में ख़त्म, आके बाहर आके हम जिंदगी में नेहा रफ्तार प्रिंस हैं, अंदर हैं हम एक, जो हम कम्पीट कर रहे हैं वो फील्ड के बाहर नहीं है। तो इसलिए मेरा जब भी उसे होता तो उनसे इक्वेशन ज़्यादा अच्छी थी, तो बाहर आई कुछ ऐसा होता नहीं था। इस साल हुआ है, हमारे लिए भी नया है कि कंटेस्टेंट भी आके बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, वो भी इतना सारा इन्फ्लुएंस है, कुछ आगे बोल रहे हैं। अब कल मुझे स्पेशल लोगों को बोलना पड़ा कि प्लीज़ हेटेड मत तो भी किसी को भी, कोई बात नहीं, वो नए हैं बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, मुझे पता गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी हुई हैं पहले, हमने भी बहुत की होंगी, आगे करना पड़ता, क्योंकि मुझे पता होता है एंड द एंड जो मेरे को प्यार करने वाले हैं वो कितने कट्टर सपोर्टर हैं, वो मतलब वो नहीं हिलेंगे कहीं, वो जानते हैं प्रिंस भाई क्या हैं और क्यों कर रहे हैं, तो वो मुझे पता है कि भारी पड़ जाता है उनके ऊपर। तो फिर पर बाकी सही है, अगर सही गेम चल रही है तो लोगों को पसंद आती है, और मैं अच्छा खुश हूँ कि शो हिट चल रहा है,
शो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। सबको डर था कि लास्ट ईयर थोड़ा सा वो सबके लिए नया था, पूरी टीम नहीं थी, साउथ अफ्रीका गए थे सब, तो इधर उधर हुआ था, पर वी आर बैक। इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है, यू कॉन्टेम्पलेटेड वेदर यू शुड डू दिस डू द नेक्स्ट सीजन और नॉट, कभी ऐसा हुआ है मन में? देखो, शो छोड़ना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात होगी, क्योंकि शो मैं किसी के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ कि मेरी किसी से नहीं बन रही। इट डजेंट मैटर कि उनकी पब्लिक मुझे प्यार ना करे, पर मैं शो करूँगा, क्योंकि वो शो चलेगा तो हमारा जो क्रू है इतने लोगों का, वो हर साल वो काम करता है, उसको देखने वाले यूथ जो इंस्पायर होता है वो आता है, ठीक है ना। तो शो तो हमेशा करता रहूँगा, बट यस, एक पॉइंट पर मुझे प्यार आ गया था, मैं क्या क्यों कर रहा हूँ उनके साथ, मुझे इतना क्यों खपाना पड़ रहा है, मैं भी तो शो इनकी तरह कर सकता हूँ कि आऊँ सिर्फ शो के लिए आऊँ, मतलब आया हूँ पैसे लिए, काम करना जाना है, मैं क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहा हूँ। पर फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, शो ने मुझे बनाया, मैं जैसे कितने लोगों को बनाता है, ठीक है ना, और निकले भी हैं रणवीर जी, आयुष्मान, कितने लोग निकले हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, इसके लिए मैं को तो करना ही पड़ेगा, तो मैं घुस जाता हूँ फिर अपने काम के लिए। बट आई थिंक सभी अच्छे होते हैं अपने लिए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, और ये बहुत नॉर्मल बात है कि अब बिग बॉस में भी लोग जाते हैं तो झगड़ते हैं ना, कोई प्यार तो नहीं करता, प्यार कर रहा होगा तो कौन उसको देख भी रहा होगा, ठीक है ना। दो इंसान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और दोनों सही हैं अपनी जगह, तभी लोग देखते हैं ना। द ऑडियंस हैज गिवन यू सो मच लव, जी, व्हाट वुड वन मैसेज बी दैट यू वुड वांट टू गिव इट टू देम? कुछ नहीं कि कोशिश करते रहो अपने काम को लेकर, प्लान बी का जो तुम रखते हो वो मत रखो, क्योंकि प्लान ए ही वर्क करता है हमेशा, और मेहनत करो बस यार। और जब भी थोड़ा फेमस हो जाओ तो मुझे लगता है कि लोगों की हेल्प करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि भगवान उसको देता है जिस पर भरोसा करता है कि वही कुछ करने के बाद किसी और के लिए कुछ करेगा, तो वो ज़रूर रखना, और ईगो मत रखना, और हेटरेड मत बताओ किसी को, प्यार दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट प्रिंस नोला एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन पिंक विला।